नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, आज निफ्टी हमारी जो ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग हुआ है 14,811 पे। हमने यही आज का हाई लगाया है और आज का जो लो हमारा लगा है वो लगाया है 14,670 का। 70 का लो लगाने के बाद हमने क्लोजिंग दे दी है 14,690 के आसपास, हमने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर ऊपर की साइड में हम यहाँ पे 14,880 के ऊपर निकलते हैं तो जो एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी ऊपर की साइड में, लेकिन ये ऊपर की साइड में गया नहीं। तो नीचे की साइड का जो मैंने आप लोग को लेवल बताया था वो था कि 14,800 के नीचे अगर हम सस्टेन करने लगते हैं थोड़ी देर तो हमारी नीचे की साइड में एक मूवमेंट मिलेगी। देखिए 14,800 के बाद ऑलरेडी हमने जो लो लगाया है वो लो लगाया हमने 14,674 का, हमने यहाँ पे लो लगाया। अगर पहले 5 मिनट की कैंडल पे देखे तो 14,800 के नीचे मैंने आप लोग को सेल करने के लिए बोला था और हमने टारगेट दिया था 14,750 के आसपास का, मैंने यहाँ पे आप लोग को टारगेट दिया था, तो वो टारगेट यहाँ पे निफ्टी में अचीव हो चुका है। तो अब निफ्टी में देखिए कल के सेशन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कल हमारी एक्सपायरी भी है और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम एक रेंज बना के चल रहे हैं। निफ्टी में हमने एक रेंज बनाई हुई है, ध्यान से देखिए तो निफ्टी में हमने एक रेंज बनाई हुई है, तो इस रेंज के ऊपर या नीचे आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये रेंज हम नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो नीचे की साइड में काफ़ी तेज मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये रेंज हम नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो नीचे की साइड में हमें एक ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी अगर नीचे की साइड में लो को ब्रेक करता है यानी 14,670 को हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 14,640 का और दूसरा टारगेट हमारा होगा 14,600 का, ये दूसरा टारगेट होगा और तीसरा टारगेट यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 14,560 का। तो इस तीन टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट 40 और 30 के बीच में आपको मिल जाएगा निफ्टी में। तो निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, आज के लो को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे 14,640 से 630 का टारगेट, उसके बाद 14,600 का, उसके बाद यहाँ पे 14,560 का टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा ऊपर की साइड में जब इस रेंज को निकालेगा। ध्यान रखिएगा, इस रेंज के ऊपर अगर एक 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए हमें तब ये ज़्यादा बेस्ट होगा। ये रेंज तब बेस्ट होगा जब ये 5 मिनट की एक क्लोजिंग हमें इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर मिल जाए जो कि है 14,760 का। तो अगर बाइंग करना है किसी को तो बाइंग करेंगे हम यहाँ पे 14,760 के ऊपर निकलेंगे तब हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 14,810 का, उसके बाद होगा 14,850 और उसके बाद होगा 14,900 के आसपास। ये हमारे तीन टारगेट ऊपर की साइड में निकल के आएंगे। अब देखना ये है कि हम अगर इसी रेंज में ओपन होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हमें मूवमेंट करके देगा। मान लीजिए अगर हम 50-60 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। प्राइस एक्शन का कुछ रहेगा तो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको सर्च कर लीजिए या उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। 95,000 मेंबर वहाँ पर जुड़े हैं तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी में ये नज़र बना के आप जरूर रखिएगा, इस रेंज के ऊपर या नीचे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को, 50 से 60 पॉइंट की एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी में। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं इंट्राडे में। अब अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो डेली चार्ट में कोई खास व्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है निफ्टी में। तो देखिए ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है लेकिन ऊपर का व्यू तो जैसे पहले क्लियर है हमारा, 870-875 के ऊपर ट्रेड करेंगे और क्लोज करेंगे तब हम यहाँ पे 15,031 के पास तक यहाँ पे जा सकते हैं नीचे की साइड में। लेकिन अगर क्लोजिंग जैसा कि मैंने बताया 620-600 के नीचे हम क्लोज करने लगे तो वापस फिर से हम यहाँ पे 14,200-14,300 के लेवल यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर सेंड कर दीजिए जिससे आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब जो आज का हमारा पहला स्टॉक्स है यहाँ पे वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट कंसोलिडेट कर रहा है तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एशियन पेंट देखिए कल के हाई को ही क्रॉस नहीं कर पाया, जैसे मैंने बोलता है हाई के ऊपर निकलेगा तो हमें एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है लेकिन इसने हाई को क्रॉस नहीं किया है। बजाज ऑटो नज़र बना के रखिएगा, 3712 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे आप ले सकते हैं, टारगेट आपको 3880 का मिल सकता है। बजाज फिनसर यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, बजाज फाइनेंस में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। भारतीय एयरटेल इस रेंज के ऊपर निकलेगा उसके बाद देखेंगे। बीपीसीआर कंसोलिडेट करने दीजिए अभी। ब्रिटानिया जैसा कि मैंने कल बोला था कि हाई के ऊपर यहाँ भी एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सिप्ला पे नज़र बना के रखिए, ये ब्रेकआउट लेवल 820 के ऊपर क्लोज करेगा तब ये 860 तक जा सकता है। कोल इंडिया यहाँ पे और कंसोलिडेट करने दीजिए अभी, उसके बाद देखेंगे। इसमें डिवीज लैब में भी एक मूवमेंट कल मैंने बोला था कि हाई के ऊपर लेना है आपको।
डॉक्टर रेड्डी में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। आइसर मोटर रेंज के अंदर में तो छोड़ दीजिए, गेल में ट्रेंड लाइन के पास से एक बाउंस बैक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 4-5 दिन 6 दिन इसी लेवल के आसपास होल्ड करे तब यहाँ पे आप 125 का ऐसे लगा के बाइंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल बाइंग नहीं करना है। ग्रासिम धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है, तो जिसके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो लगा ले, उसके बाद इसको होल्ड करके रखिए आप। SCL टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करना है। HDFC लिमिटेड ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, अब ये शायद यहाँ से वापस फिर से ये नीचे वाली चाल पकड़ चुका है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 2670 का था। HDFC लाइफ यहाँ पे सपोर्ट के पास से इसने बाउंस बैक दिया, लेकिन अभी मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। हीरो मोटोकॉप जो सपोर्ट है वो 2800 के आसपास में है। हिंडालको वेट कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद ये ऑल टाइम हाई के पास धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अब जिसके पास पोजीशन है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर ये 2460 के ऊपर क्लोज करे उसके बाद फिर हम देख सकते हैं इसमें। इनफी रजिस्टेंस जो है वो 1410 के आसपास यहाँ पर भी है। IOC कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा, तो और 2-3 दिन रुकने देते हैं, एक दो दिन और रुकने देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें हमें क्या करना है। ITC कुछ नहीं करना है। JSW स्टील कंटिन्यू चल रहा, जैसा कि मैंने टारगेट 870 का दिया था, वो 880 का टारगेट, वो टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। LNT वेट एंड वॉच। मारुति M&M में भी वेट करते हैं। मारुति में भी मारुति नज़र बना के रखिएगा, अगर हम इसके नीचे कहीं क्लोज करने लगते हैं, 6750 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर ये 6400 की तरफ बढ़ेगा, तो इस पर नज़र बना के रखिए। या एक दो दिन और कंसोलिडेट करने के बाद ये 6930 के ऊपर क्लोज करे तो इसे लेके जा सकते हैं 7200 के टारगेट के लिए। नेस्ले छोड़ दीजिए इसको, NTPC में अभी कुछ मत कीजिए। ONGC भी कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पे पावर ग्रिड को भी कंसोलिडेट करने दीजिए। रिलायंस पे नज़र बना के रखिएगा, अगर ये 1980 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर से ये 1890 का लेवल दिखा सकता है। SBI लाइफ कुछ नहीं करना है। अभी श्री सीमेंट ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके लगा लीजिए 28600 के आसपास में। दोस्तों अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए, या अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करके आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा भी मैंने ये बोला था कि इसके ऊपर बाइंग करनी है, तो एक बाइंग मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हुई है। 98 के बाद 610 तक ये गया, 605 तक ये जाके आया है यहाँ पे। टाटा मोटर्स रेजिस्टेंस अब यही फेस करेगा। देखो अब ये तब तक 310-312 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इसमें मूवमेंट अभी नहीं बनने वाली है। टाटा स्टील बने रहिए, स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते रहिएगा। TCS कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा में कोई व्यू नहीं है। टाइटन जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक यहाँ पे बुलिश मोड रहेगा, और ये टारगेट यहाँ पे 1580 और 1600 तक ये जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट वेट कीजिए, 7000 के ऊपर क्लोज करेगा तब। UPL 640 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो कल के सेशन में अगर ये मान लीजिए 640 के ऊपर ही कंटिन्यू कंसोलिडेट करता है तो इसको आप बाइंग कर सकते हैं। विप्रो में मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की निफ्टी की वीडियो। दोस्तों अगर आप भी बैंक निफ्टी ऑप्शन पे वीडियो चाहते हैं कि कल एक्सपायरी के लिए मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।